फ्रेंड्स, फोर वायर वाले कूलर मोटर का कनेक्शन रोटरी स्विच में कैसे करते हैं, चलिए समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये चार टर्मिनल रोटरी स्विच है, यहाँ पे एल लिखा है, एक नंबर लिखा है, दो नंबर लिखा है, तीन नंबर लिखा है। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो आपका इस मोटर का रेड कलर का वायर रहेगा जो कि लो स्पीड के लिए है, उसको आपको क्या करना है, एक नंबर वाले टर्मिनल में जोड़ना है। जो आपका ये व्हाइट कलर का वायर है जो कि मिनिमम स्पीड का है, इसको दो नंबर वाले टर्मिनल में जोड़ना है। और जो आपका ये ब्लैक कलर का वायर है जो कि इस मोटर का हाई स्पीड का वायर है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे तीन नंबर वाले टर्मिनल में जोड़ना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका सप्लाई का दो वायर रहेगा इसमें से फ्रेंड्स आपको एक वायर लेना है, और जो आपका रोटरी स्विच का एल वाला टर्मिनल रहेगा इसके साथ जोड़ देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका सप्लाई का एक वायर बचेगा और जो आपका मोटर का ब्लू कलर का वायर बचेगा जो कि इसका कॉमन का वायर है, इसको आपको एक साथ यहाँ पे जोड़ना है। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इसमें टेप को लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स एक बार मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, रोटरी स्विच को एक बार घुमाएंगे मोटर लो स्पीड में चालू हो जाएगा, फिर घुमाएंगे तो मोटर मीडियम स्पीड में चालू हो जाएगा, और फिर रोटरी स्विच घुमाने से मोटर हाई स्पीड में चालू हो जाएगा, और फिर रोटरी स्विच घुमाने से मोटर ऑफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल के नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो।